साहब, बीएमओ साहब और टीचर्स जो हायर सेकेंडरी स्कूल से, हाई स्कूल से, मिडिल स्कूल से जो भी प्रिंसिपल्स आए हैं, सबका वेलकम करता हूँ। बड़ा लेंथ एंड ब्रेथ में यहाँ पे डीसी साहब, एडी साहब ने बोल दिया, हमारे सीएचओ साहब ने भी डिस्क्राइब कर दिया। एमआर वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग भी आज का एक हमने रखा था प्रोग्राम, इसमें ये नहीं था कि हम आपको सिखाएं कि कैसे करना था, बट एक मैसेज देना था कि क्लियर कि ये एमआर वैक्सीनेशन जो कैंपेन है ये नेशन वाइड कैंपेन है और इसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ के साथ देना है। इसमें से हमने फील्ड फंक्शनरी है जो सबको बुलाया है, रेवेन्यू से नंबरदार चौकीदार, उनका भी वेलकम करता हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी उनसे आज ये एक मीटिंग है। दूसरा हमने डीएलडब्ल्यू डीआरएस रूरल डेवलपमेंट से और सोशल वेलफेयर से आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर और हेल्थ डिपार्टमेंट से जो भी उनके आशा वर्कर से सबको यहाँ पे बुलाया। यहाँ पे आप एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जरूरत है और वही मैसेज और कंसेप्ट देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। यहाँ टीचर्स का एक स्टेटस है, वो सर ने खुद ही डिस्क्राइब कर दिया कि हमें आप दिखाने को या पढ़ाने की या डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। आपका एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, आपका इतना बड़ा पर्सोना है, हम उसी को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी हमारा टारगेट ग्रुप है, जो 9 महीने से 15 साल के बीच जो टारगेट ग्रुप है, वो आपके कंट्रोल में है और आपका जितना एक स्टूडेंट्स के साथ जितना एक रिलेशन है, वो पायस रिलेशन है, उस रिलेशन को हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि आप वो बच्चों में कंसेप्ट जाए। अगर पेरेंट्स आते हैं तो उनको वो बताएं, और नंबरदार चौकीदार है जो वो भी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करे, गाँव गाँव में जाए, जो जो उनका एरिया है, लोगों को क्लियर करे कि आपने बच्चों को लाए, इंजेक्शन लगवाए। सबसे पहले ये स्कूल्स में हमारा टारगेट है, उसके बाद हम आंगनबाड़ी सेंटर में जाएंगे, देन हाउस टू हाउस, वो भी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट जो हमारा एज ग्रुप है वो आपके स्कूलों में है। स्कूलों को इसलिए टारगेट बनाया क्योंकि ये एक नेशन बिल्डिंग फोर्स है, ये ह्यूमन रिसोर्स है हमारा। आज की डेट में तो हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं इनको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फ्यूचर की जनरेशन तो हमारी यही है, हमें संभालने वाली यही है। तो अपने ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको हमें डेवलप करना है, तैयार करना है। अगर उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा, तो कल को ये बीमारी उन पर हावी हो जाएंगी। तो ये वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है इसको हमने जोरों शोरों से अपने एरिया में ले जाना है। स्कूलों में जो टारगेट है, ये शेड्यूल है बाकायदा बना हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि किस स्कूल में कब प्रोग्राम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फील्ड ऑफिशियल्स भी उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्कूल में प्रेजेंट रहे ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। तो मैं वर्दी एडीसी साहब का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम शेयर किया, प्रिंसिपल साहब का मैं थैंक करता हूँ, बीएमओ साहब का। तो हमें उम्मीद रखते हैं कि ये जो कैंपेन है सक्सेसफुल रहेगा। हमने बुद्धन में किया, कोटरंका साहब से उनसे मीटिंग रखी, वहां पे अच्छे खासी हमने कवरेज की है। तो उम्मीद है कि ये वाला जोन है, इसमें भी ये वैक्सीनेशन कामयाब रहेगी। आप सबका